कोरोना का प्रकोप अभी जारी है, जिसके चलते लोग अस्पताल जाने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में गुरुग्राम में सिंचाई विभाग ने निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया, जिसमें 95 लोग स्वास्थ्य की जांच कराई। जो आज हेल्थ कैंप है वो बेसिकली शुगर और ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है। एक जनरल एक आजकल बहुत ऐसा देखा जा रहा है कि पेशेंट हॉस्पिटल आने से बच रहे हैं, जबकि अक्सर उन्हें कुछ तकलीफ हो रही होती है, कुछ गंभीर समस्याएं हो रही होती हैं, लेकिन कोरोना की वजह से वो लोग हॉस्पिटल नहीं जाना अवॉइड कर रहे हैं या कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो लोग नहीं जाना चाह रहे हैं। तो इस ऐसे में कुछ जोखिम उनकी जान को बनाते हैं। सो उससे उसी के मद्देनज़र उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये फैसला किया कि घर घर जाके या कुछ डिपार्टमेंट वाइज हम कुछ कैंप्स अरेंज करेंगे, ताकि ऐसे लोगों को समय पर उनको हम डिटेक्ट कर सकें, उनको हम खोज सकें और उनको इलाज की सुविधा दे सकें। जी हाँ, ये पहले 3 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट नारायणा हॉस्पिटल को गुरुग्राम में आए हुए, और ये पहले भी काफ़ी जगह हेल्थ कैंप ऐसे अरेंज किए जा चुके हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे। सिंचाई विभाग गुरुग्राम के अधीक्षण अभियंता डॉक्टर शिव सिंह रावत की माने तो इस शिविर में विभाग के सभी कर्मचारियों के साथ उनकी फैमिली का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ECG, वजन की जांच व ऑक्सीजन लेवल इत्यादि जांचे गए। जांच के उपरांत चिकित्सकों द्वारा सभी को स्वास्थ्य के प्रति जानकारी दी गई। कोरोना को देखते हुए जांच से पहले सभी को सैनिटाइज किया गया। जो कोरोना महामारी जो दुनिया में फैली हुई है उसको देखते हुए, वैसे तो हम हर साल लगभग लगाते ही हैं, लेकिन इस बार स्पेसिफिकली उसको देखते हुए ये सारे कैनाल कॉलोनी में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके लिए ये हमने हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है, जिसमें ECG का टेस्ट है, BP का टेस्ट है, शुगर का टेस्ट है, और कार्डियोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स नारायणा हॉस्पिटल से आए हुए हैं, वो सबका चेकअप कर रहे हैं। वहीं COVID-19 संक्रमण को देखते हुए इस शिविर में आने वाले लोगों के लिए सामाजिक दूरी, मास्क व कोविड प्रोटोकॉल की पालना की गई।